नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल फैन एके के साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैंने अपने एक पुराने वीडियो में वडोदरा केवड़िया रेल रूट के बारे में बताया था, और आज मैं इस वीडियो में इस रूट के कुछ प्रोग्रेस और कुछ नए रूट्स के बारे में बताऊंगा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी को जोड़ेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बात शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरी पहली स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको शायद से ये वाली वीडियो समझ ना आए। वीडियो आपको ऊपर आई बटन में क्लिक करके मिल जाएगा। सबसे पहले वडोदरा केवड़िया रूट के कुछ प्रोग्रेस पर बात करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जब ट्रेन दाबोई जंक्शन रुकेगी तो चांदोद कैसे जाएगी, जिसके लिए मैंने तीन पॉसिबिलिटीज़ की बात रखी थी। पहली थी लोकोमोटिव रिवर्सल, दूसरी पुश पुल इंजन, और तीसरी MEMU या फिर DEMU ट्रेन सेट्स, और आखिरकार रेलवे बोर्ड ने MEMU ट्रेन को मंजूरी दे दी है। वडोदरा केवड़िया के बीच में दो MEMU ट्रेन चलाई जाएंगी। दूसरी प्रोग्रेस ये है कि इस रूट का स्टार्टिंग पॉइंट वडोदरा जंक्शन की जगह वडोदरा में दूसरे स्टेशन प्रतापनगर को बनाया गया है। तीसरी अपडेट ये है कि इस रूट का कंस्ट्रक्शन इसी महीने या जनवरी तक पूरा हो जाएगा, और इस रूट पर 130 किलोमीटर पर आवर पर स्पीड ट्रायल होगा। अब आते हैं कुछ बड़ी अपडेट्स पर। केवड़िया रेल रूट पर यह अपडेट है कि अब सिर्फ वडोदरा से ही नहीं, जितनी भी एक्सप्रेस ट्रेन वडोदरा रूट पर आती हैं उन्हें भी केवड़िया तक जाने की मंजूरी दे दी गई है। इन रूट्स के नाम हैं वाराणसी वडोदरा, रीवा वडोदरा और मुंबई वडोदरा। पहले दो रूट्स की इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मुंबई वडोदरा केवड़िया रेल रूट के बारे में मैं आपको मैप की मदद से बताता हूँ। इस मैप के अकॉर्डिंग मुंबई से आने वाली ट्रेन्स मियागम कर्जन जंक्शन की तरफ से निकलेगी और फिर चांदोद होते हुए केवड़िया जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें। आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और स्वस्थ रहें।